नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से हमने अरस्तु के काव्य सिद्धांतों पर बात करनी शुरू की थी और हमने उनके अनुकरण सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। एक बात दोस्तों जो आपको अरस्तु के विषय में याद रखने की है वो ये कि उनके जो सिद्धांत हैं, चाहे वो अनुकरण सिद्धांत हो, चाहे वो विरेचन सिद्धांत हो या वो त्रासदी हो, ये दो तीनों सिद्धांत आपस में घुले मिले हैं। तो हम इनमें से किसी भी सिद्धांत हम पढ़ते जरूर हैं अलग-अलग, लेकिन इन सब सिद्धांतों को त्रासदी के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। तो इस बात को आप हमेशा अरस्तु के सिद्धांतों को पढ़ते समय अपने ध्यान में रखें। तो आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं विरेचन सिद्धांत पर। बहुत अच्छी तरह, बहुत सरल है, और जिस तरीके से हमने साधारणीकरण पढ़ा था भारतीय काव्य शास्त्र में, कुछ कुछ वैसी ही अनुभूति होगी आपको विरेचन सिद्धांत को पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले जानना जरूरी है कि विरेचन किसे कहते हैं। विरेचन शब्द मूलतः यूनानी शब्द है, एक कैथारसिस। इसकी स्पेलिंग को आप ध्यान में रखेंगे, के से शुरू होती है ये स्पेलिंग, यानी यूनानी भाषा में जो स्पेलिंग, जिस शब्द की स्पेलिंग के से शुरू होती है, अंग्रेजी में वो सी से शुरू होती है। तो यूनानी भाषा, क्योंकि अरस्तु ने अपने सिद्धांतों का, अपने ग्रंथों का प्रणयन यूनानी भाषा में किया था, इसलिए यूनानी में जो शब्द उन्होंने कैथारसिस इस्तेमाल किया उसका हिंदी अनुवाद है विरेचन, और इसका अर्थ है रेचन या परिष्करण। यानी रेचन यानी आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां दी जाती हैं दोस्तों। हमारा जो आयुर्वेद है, जो चिकित्सा शास्त्र है, और प्राचीन यूनान का भी जो चिकित्सा शास्त्र था, वो एक खास पद्धति पर काम किया करता था, और वो ये था कि यदि शरीर से विजातीय यानी दूषित तत्वों को बाहर निकाल दिया जाए रेचन क्रिया के द्वारा, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होगा। उसी बात को आधार बना करके ये इस विरेचन सिद्धांत का, यानी कैथारसिस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अरस्तु ने। तो रेचन यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया, परिष्करण शुद्धिकरण, यानी शुद्धिकरण किसका करना है, चिकित्सा शास्त्र में शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, और यहाँ जिस शुद्धिकरण की बात की जा रही है विरेचन सिद्धांत में, वो चेतना का, आत्मा का शुद्धिकरण है। अंग्रेजी में इसका प्रयोग कैथारसिस के रूप में होता है, यानी स्पेलिंग बदल गई है, शब्द वही है, उच्चारण भी वही है। जर्मन विद्वान लेसिंग जब कैथारसिस शब्द की व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि इस शब्द का सरल और सहज शब्द है प्यूरिफिकेशन, जिसका अर्थ हिंदी में हम करते हैं शुद्धिकरण। अर्थात शुद्धिकरण उनके अनुसार विरेचन का अर्थ है, यानी कैथारसिस का अर्थ है प्यूरिफिकेशन, यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया। कुछ विद्वान इसका अर्थ उदात्तीकरण भी मानते हैं। एक उदात्त सिद्धांत हम बाद में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इस उदात्त शब्द को, क्योंकि ये हिंदी साहित्य में भी बहुत जगह पर प्रयोग में लाया जाता है, और काव्य के संदर्भ में उदात्त शब्द का प्रयोग हर जगह होता ही है, तो इस उदात्तीकरण को भी हम समझ लेते हैं। उदात्त का अर्थ होता है ऊपर उठा हुआ, और जब हम काव्य पढ़ते हैं, किसी भी भाषा का काव्य क्यों ना हो, हमारा जो हृदय है वो उस स्तर से जिस पर हम सामान्यतः रहते हैं, हमारी चेतना रहती है, हमारी मनस्थिति रहती है, उससे ऊपर उठकर आनंद में डूबते हैं, और चित्त की, चेतना की वही ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो कहलाती है उदात्तीकरण। तो कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ उदात्तीकरण भी माना है। हिंदी में जो लेसिंग के अनुसार जो शुद्धिकरण है, अन्य विद्वानों के अनुसार जो उदात्तीकरण है, कैथारसिस जो कि परष्करण है हिंदी में, वही विरेचन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अरस्तु का विरेचन से अभिप्राय क्या था? विरेचन से, क्योंकि वे किस विरेचन की बात कर रहे हैं, वो चिकित्सा शास्त्र के विरेचन को लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग में ला रहे हैं, तो वे विरेचन से बात कर रहे हैं मानसिक शुद्धिकरण, आत्मिक शुद्धिकरण। तो मानसिक शुद्धिकरण कब होगा? मानसिक शुद्धिकरण होगा जबकि हमारी मनःस्थिति को जिन नकारात्मक भावों ने ग्रस रखा है उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो दूषित मनोविकारों की निष्कृति, उनको बाहर निकालना मस्तिष्क से, हृदय से, वही अरस्तु का विरेचन है, यानी कैथारसिस है।
विरेचन शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पिछले सत्र में जब हमने अरस्तु के जीवन पर बात की थी, उनके जीवन के गतिविधियों के विषय में जाना था, तब हमने जाना था कि अरस्तु के पिता एक चिकित्सा शास्त्री थे और वे अरस्तु को भी एक चिकित्सक ही बनाना चाहते थे, लेकिन उनके असामयिक निधन ने अरस्तु के जीवन की दिशा बदल दी थी। यानी एक चिकित्सक होने का जो संस्कार था, जो बीज था, वो अरस्तु के व्यक्तित्व में पहले से ही जन्मजात रूप में ही विद्यमान था, संस्कार के रूप में विद्यमान था। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र के कैथार्सिस शब्द को उन्होंने साहित्य के संदर्भ में एक लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त किया और उसे विजातीय यानी मस्तिष्क के स्वास्थ्य लाभ के लिए, मनस्थिति को शुद्ध करने के लिए उसका अर्थ लिया दूषित मनोविकारों से मुक्ति, या दूषित मनोविकारों को मन मानसिक स्थिति से बाहर निकालना, हृदय से बाहर निकालना। इसका प्रयोग रेचक औषधि द्वारा शरीर से विजातीय तत्वों को निकालने के लिए किया जाता है। यानी चिकित्सा शास्त्र में जो विरेचन है उसका अर्थ है रेचक औषधियां दी जाए, जिससे कि शरीर में जो भी बुरी दूषित पदार्थ हैं वे सब शरीर से बाहर निकल जाएं। आजकल अंग्रेजी में, आम जिंदगी में, आधुनिक जीवन शैली में एक शब्द प्रयोग होने लगा है दोस्तों, डिटॉक्स। डिटॉक्स का अर्थ भी वही है कि जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में मौजूद हो गए हैं, जिनके कारण हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, यानी शरीर को उन टॉक्सिन्स, उन दूषित तत्वों से रहित करना। तो वही कैथार्सिस है चिकित्सा शास्त्र में, वो कैथार्सिस है, और साहित्य में दूषित मनोविकारों से मुक्ति ही विरेचन है, कैथार्सिस है। एक चिकित्सक परिवार के से होने के कारण अरस्तु ने कैथार्सिस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया, ये मैं अभी आपको बता चुकी। SH बूचर दोस्तों वे विद्वान हैं अंग्रेजी के, जिन्होंने अरस्तु के यूनानी भाषा में लिखित जो ग्रंथ हैं उनको अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया, और उन्होंने उनके सभी सिद्धांत, जो भी समय समय पर अलग अलग सिद्धांतों के विषय में उनके विचार व्यक्त किए गए, किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा विचार व्यक्त किए गए, उन्हें अंग्रेजी भाषा में अपने ग्रंथ एरिस्टोटल्स थियरी ऑफ पोइट्री एंड फाइन आर्ट्स एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें अरस्तु के सभी विचारों को संकलित किया गया है। वहां उस ग्रंथ में वे अरस्तु के मत को अभिव्यक्त करते हैं, किसके संदर्भ में, कैथार्सिस के संदर्भ में। और वहां जो शीर्षक दिया गया है, आप ध्यान देंगे उस ग्रंथ में, द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी करके एक लेख है, जिसके अंतर्गत उन्होंने विरेचन की प्रक्रिया को बताया है, स्पष्ट किया है, जबकि नाम क्या है, द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, यानी त्रासदी का के कार्य। त्रासदी, मैंने अभी आपको बताया कि अरस्तु के सिद्धांतों को, चाहे वो अनुकरण हो चाहे वो विरेचन हो, उन्हें त्रासदी के संदर्भ में ही समझने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि जब वे त्रासदी की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं बूचर, उसी संदर्भ में वे अरस्तु के शब्दों में विरेचन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करते हैं। अब वे क्या लिखते हैं, एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को, क्योंकि ये मूल शब्द है जो प्रयोग में लाए गए अरस्तु के द्वारा और जो अनुदित किए गए SH बूचर के द्वारा, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। हम दोस्तों यदि इस अंश को समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि विरेचन हमारे लिए दुर्बोध या न समझ में आने वाली अवधारणा रहेगा ही नहीं। तो क्या लिखते हैं बूचर, बूचर कहते हैं, कैथार्सिस हियर इज अ मेटाफर पर्गेशन एंड डिनोट्स अ पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द सोल। अब आपको क्या ध्यान रखना है, वे कह रहे हैं कि कैथार्सिस यहां, यानी जहां ट्रेजेडी के संदर्भ में उसकी चर्चा की जा रही है, वहां कैथार्सिस वास्तव में क्या है, मेटाफर है। मेटाफर यानी रूपक, हिंदी में जो रूपक अलंकार है, हिंदी में जो रूपक अलंकार है दोस्तों, अंग्रेजी में वही मेटाफर है। तो यहाँ एक रूपक है, अभी हमने चर्चा की कि विरेचन का यानी कैथार्सिस का उन्होंने लाक्षणिक प्रयोग किया, तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। तो वे लिखते हैं कैथार्सिस हियर इज अ मेटाफर पर्गेशन यानी शुद्धिकरण यानी विरेचन, इसका अर्थ है ये एक प्रकार का शुद्धिकरण है, विरेचन है। एंड डिनोट्स, और डिनोट्स यानी संकेत करता है, किस बात की ओर संकेत करता है, पैथोलॉजिकल इफेक्ट,
रोग निदान संबंधी प्रभाव ऑन द सोल। देखिए रोग निदान कहां किससे संबंधित है, शरीर से संबंधित है, लेकिन यहां रोग निदान संबंधी प्रभाव को किसके संदर्भ में बताया जा रहा है, सोल के संदर्भ में। सोल इज आत्मा, सोल का अर्थ है आत्मा। तो डिनोट्स अ पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द सोल एनोलॉगस टू द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन द बॉडी। एनोलॉगस यानी जो समान है, किसके समान है, द मेडिसिन यानी दवाइयों का जो प्रभाव रोग निदान प्रक्रिया के दौरान, रोग से मुक्ति की प्रक्रिया के दौरान शरीर पर होता है, उसी को ये कैथार्सिस शब्द का रूपक, उसी शब्द को आत्मा के रोग मुक्त करने यानी उसे दूषित मनोविकारों से मुक्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में अभिव्यक्त करता है। ये बात इन्होंने यहाँ पर कह दी, यानी जो प्रभाव कोई भी औषधि, जब हम किसी रोग, हमको बुखार आता है या जुकाम होता है, तो हम जो दवाइयां लेते हैं उनसे हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है कि हम उस पीड़ा से, उस रोग की पीड़ा से मुक्त होने लगते हैं, वही प्रभाव वो कहते हैं कि जब हम कैथार्सिस का लाक्षणिक प्रयोग करते हैं, उसका रूपक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वही प्रभाव ये हमारी चेतना पर डालता है, हमारी आत्मा पर डालता है, यानी हमारी आत्मा को उन सारे दूषित मनोविकारों से मुक्त करता है। कौन से दूषित मनोविकार, जिनके कारण निराशा, हताशा, नकारात्मकता जैसी दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता जैसी स्थितियां हमारे चित्त में जन्म लेती है, और जीवन में जहां कदम कदम पर संघर्ष है, उन संघर्षों को से जूझने में, उन विषम परिस्थितियों से जूझने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं, ऐसी जितनी भी दुर्बलताएं हैं, ऐसी जितनी भी पीड़ाएं हैं, उन सब से मुक्ति की राह दिखाता है कैथार्सिस। और इस प्रकार चेतना को, मनुष्य की चेतना को एक सबल आधार प्रदान करता है, उसकी सकारात्मकता लौटाता है, उसकी मानसिक दशा को स्वस्थ करता है, जिससे कि वो वास्तव में मानसिक स्तर पर पहले की तरह सकारात्मक और आनंदपूर्ण हो जाए। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। आगे क्या कहते हैं, द थॉट as he interpreted it may be expressed thus। अब वे लिखते हैं, बूचर लिख रहे हैं कि ये जो विचार है, कौन सा विचार, कैथार्सिस का विचार, जैसा कि उसका इंटरप्रेट यानी उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण किया, किसने, he कौन है, अरस्तु ने जैसी उसकी व्याख्या की, उसे इन शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी ये सारे के सारे शब्द अरस्तु के यूनानी भाषा में कहे गए विचारों का यथा तथ्य, यथावत अनुवाद है। लिखते हैं, ट्रेजेडी एक्साइट्स द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, किंडर्ड इमोशंस दैट आर इन द ब्रेस्ट ऑफ ऑल मैन, एंड बाय द एक्ट ऑफ एक्साइटेशन एफोर्ड्स अ प्लेजरेबल रिलीफ। अब इस बात को समझ लेंगे, क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी क्या करती है, कैसे विरेचन की प्रक्रिया होती है कि जब मनुष्य ट्रेजेडी देखता है। ट्रेजेडी क्या है, त्रासदी यानी वो नाटक, वो काव्य जिसका अंत दुख में हुआ है। तो वो जो ट्रेजेडी है, वो जो त्रासदी है, वो क्या करती है, एक्साइट्स यानी उत्तेजित करती है, ऊपर उठाती है, जागृत करती है इमोशंस को, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं को जागृत करती है। कौन सी भावनाएं, जो करुणा और भय से जुड़ी हुई है। करुणा और भय से जुड़ी हुई कितनी भावनाएं हैं, वे सारी भावनाएं दोस्तों यहां शामिल है इसके अंतर्गत, जो हमें निराश करती हैं, हताश करती हैं, और हमारे मानसिक स्तर को पूरी तरह से नकारात्मकता से घेर देती हैं। तो उन सब इमोशंस को, जो पिटी एंड फियर यानी करुणा और भय से उत्पन्न होते होकर नकारात्मक रूप धारण कर लेती हैं, उनको त्रासदी उत्तेजित करती है, उनको जगाती है। किंडर्ड इमोशंस, और वो इमोशंस, ये वो इमोशंस हैं, करुणा और भय की वो भावनाएं हैं जो हर मनुष्य की छाती में विद्यमान होते हैं, सोई हुई अवस्था में विद्यमान होते हैं, आराम से पड़े रहते हैं सुप्त अवस्था में, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी सुप्त अवस्था में भी वो मनुष्य को पीड़ित करना नहीं छोड़ते। तो वो क्या करते हैं, बाय द एक्ट ऑफ, उनको जगाती है त्रासदी, और बाय द एक्ट ऑफ एक्साइटेशन, और उनको उत्तेजित करके, उनको जगाकर
वो उस व्यक्ति को जिसके हृदय पर त्रासदी का प्रभाव पड़ रहा है उसे एक प्लेजरेबल रिलीफ देती है, यानी आनंददायक स्थिति देती है, आनंददायक प्लेजरेबल यानी आनंददायक शांति उसे प्रदान करती है। द फीलिंग कॉल्ड फोर्थ बाय द ट्रेजिक स्पेक्टिकल आर नॉट इनडीड परमानेंटली रिमूव्ड। आगे क्या कहते हैं अरस्तु? अरस्तु कहते हैं कि ये जो फीलिंग है, कौन सी फीलिंग, कौन सी भावना है, प्लेजरेबल रिलीफ की, आनंददायक शांति की जो भावना है, जिसको ट्रेजिक स्पेक्टिकल यानी त्रासदी का दर्शक, जो दर्शक नाटक देख रहा है, देखिए जिस आपको एक और बात याद रखनी है दोस्तों कि जैसे भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसी तरह से ये सारी की सारी बात जो कही गई है, सारी अवधारणा ये अरस्तु के द्वारा नाटक के संदर्भ में कही गई है। तो स्पेक्टिकल का अर्थ है दर्शक, और दर्शक किसको देखता है, जो मंच पर नाटक मंचित किया जा रहा है उसे देखता है, और वो नाटक कैसा है, वो नाटक है ट्रेजिक यानी ट्रेजेडी है, त्रासदी है। तो वे कहते हैं कि द फीलिंग कॉल्ड फोर्थ, ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, कौन सा भाव, आनंददायक शांति की जो अनुभूति दर्शक को होती है, किस, कौन से दर्शक को, जो त्रासदी देख रहा है मंच पर, ये निश्चय ही स्थाई आनंद की उपलब्धि नहीं कराती, हमेशा के लिए उसके मन से दुख, भय, करुणा जैसी निराशाजनक नकारात्मक भावनाएं जो है वे दूर हमेशा के लिए नहीं होती, बट आर क्वाइटेड फॉर द टाइम, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि त्रासदी देखने के बाद वे कष्टकारक पीड़ा, करुणा, भय आदि की जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो क्वाइटेड शांत हो जाती है कुछ समय के लिए, और वो इस प्रकार, देखिए पहले भी दबी हुई थी लेकिन अभी वो शांत हो रही हैं। पहले दबी हुई रहकर जागृत अवस्था में न रहते हुए भी वो मनुष्य को पीड़ित कर रही थी, पिन की तरह चुभ रही थी, लेकिन अब जबकि वो शांत हो गई है आनंददायक विश्रांति के द्वारा, तब वो जो सिस्टम है, उसके शरीर की जो व्यवस्था है, उसके मस्तिष्क की जो व्यवस्था है, वो फिर से अपने पुराने ढर्रे पर सामान्य रूप में कार्य करने लगती है, क्योंकि ये एक साधारण सी बात है, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है दोस्तों, जो आप सभी कभी ना कभी अनुभव करते होंगे कि जब हम किसी भी बात को लेकर परेशान होते हैं तो हमारा जो सोचने समझने का तरीका है वो विचलित हो जाता है, बिखर जाता है, और हम स्थिर मस्तिष्क से, संतुलित भाव से किसी भी विषय पर सोच नहीं पाते, चाहे वो मुद्दा कितना भी छोटा हो और चाहे वो मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी परेशानी भी हमारे मस्तिष्क में हलचल मचा देती है, तो उस हलचल के कारण हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो जितनी बिखर जाती है। अरस्तु कहते हैं कि जब त्रासदी देखता है कोई व्यक्ति तो वो जो अस्थिरता है मस्तिष्क की वो फिर से संतुलित होकर पहले की तरह कार्य करने लगती है, यानी मनुष्य पहले की तरह ही सोचने लगता है। ये त्रासदी का प्रभाव है जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं अरस्तु। आगे चलते हैं। So that the system can fall back upon its normal course, यानी इसके कारण, इस आनंददायक विश्रांति के कारण जो मानसिक स्थिति है, सिस्टम, कौन से सिस्टम की बात की जा रही है, ये मनस्थिति जो असंतुलित हो गई है उसके सिस्टम की, उसकी व्यवस्था की बात की जा रही है, वो वापस से अपने पुरानी ढर्रे पर चलता है और साधारण रूप में, संतुलित रूप में सोचना प्रारंभ कर देता है। द स्टेज इन फैक्ट प्रोवाइड्स अ हार्मलेस एंड प्लेजरेबल आउटलेट फॉर इंस्टिंक्ट्स व्हिच डिमांड सेटिस्फेक्शन एंड व्हिच कैन बी इंडल्ज हियर मोर फियरलेसली देन इन रियल लाइफ। अब आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो स्टेज है, कौन सा स्टेज, जिस मंच पर त्रासदी खेली जा रही है, मंचित की जा रही है, वो जो स्टेज है वो वास्तव में अरस्तु के अनुसार मनुष्य को, यानी कौन सा मनुष्य, जो उस नाटक को देख रहा है यानी दर्शक, उस दर्शक को प्रोवाइड्स अ हार्मलेस एंड प्लेजरेबल आउटलेट, एक ऐसी राह दिखाती है, किसकी, अपनी उन दूषित मनोविकारों से मुक्ति का रास्ता दिखाती है जो उसके लिए पूरी तरह से नुकसान से रहित है, यानी उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा रहा, हानि रहित है, और उसके साथ साथ कैसा है, प्लेजरेबल है, आनंददायक है, ऐसी उसकी जो विचार है
उन दूषित मनोवृत्तियों को आउटलेट देता है ये स्टेज, स्टेज पर मंचित की जाने वाली त्रासदी। और उसके फलस्वरूप दर्शक को क्या प्राप्त होता है? सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्टि क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उसे प्लेजरेबल रिलीफ यानी आनंददायक विश्रांति की स्थिति मिल गई है, उसका मानसिक संतुलन फिर से लौट आया है और वो पहले की तरह आनंददायक स्थिति में है। एंड विच कैन बी इंडल्ज्ड हियर मोर फियरलेसली देन इन रियल लाइफ। अब ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है और इस बात से हम साधारणीकरण के सिद्धांत को जोड़कर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ कहा जा रहा है उसी तरह से साधारणीकरण के सिद्धांत में कहा गया था कि जो कुछ भी नाटक में दिखाई देता है उस वो जो नायक और नायिका हैं वो साधारण स्त्री पुरुष के रूप में दर्शक के सामने आते हैं और उनकी भावनाओं के साथ दर्शक अपना तादात्म्य स्थापित करता है और अपने जो स्व का दायरा है उससे मुक्त होकर उनके सुख और दुख के साथ आनंद की अनुभूति करता है। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि निजी जीवन में जब भय और करुणा की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, यानी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो मनुष्य अपने स्व के दायरे में सीमित होने के कारण उन स्थितियों से अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है और यही कारण है कि उन स्थितियों का सामना करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। लेकिन जब वही स्थितियां वो स्टेज पर यानी त्रासदी के नाटक के रूप में मंच पे मंचित होते हुए देखता है तो उस त्रासदी का सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि वो अपने स्व के दायरे से बाहर निकलता है। और स्व के दायरे से देखिए एक तो कष्ट ये है कि हमें लगे हम अपने ही कष्ट में डूबे रहे और हमें लगे कि हमारे अलावा जीवन में और कोई कष्ट है ही नहीं। लेकिन जब मंच पर हम कष्टों को देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे हमारे कष्टों के अलावा इस हमारे इस अपने निजी दुख के अलावा भी जीवन में और भी विषमताएं हैं, और भी कष्टदायक स्थितियां हैं। और हम ये सोचते ही ये विचार आते ही हम अपने स्व के दायरे से मुक्त होकर ऊपर उठने लगते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि which can be indulged here more fearlessly, हम उस मंच पर मंचित हो रहे दृश्य में, त्रासदी के दृश्य में निर्भीकता से डूबने लगते हैं। और वो डूबना हमें किस स्थिति में ले जाता है? विरेचन की स्थिति में ले जाता है, क्योंकि हम स्व के दायरे से मुक्त हो गए हैं। जबकि हम अपने वास्तविक जीवन में जब समस्याओं का सामना करते हैं तब हम उस दुख में उतने भय रहित होकर के डूबते नहीं, बल्कि वो हमारे मनोबल को गिराने का काम करता है। लेकिन अरस्तु के अनुसार जब मंच पर त्रासदी का दृश्य देखता है कोई भी दर्शक तो वह स्व के दायरे से निकलकर यानी अपनी सुख दुख की पीड़ाओं को से मुक्त होकर उस व्यक्ति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उसकी पीड़ाओं में डूबता है। इसके फलस्वरूप वो अपनी पीड़ाएं भूलता है और उसके बाद उसे मिलता है प्लेजरेबल रिलीफ यानी आनंददायक शांति। ये उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथ में। अब इसका ये अनुवाद है, अच्छी तरह से पहले मैं समझा चुकी हूं लेकिन फिर भी इसको संक्षेप में देख लेते हैं। अर्थात त्रासदी, करुणा तथा भय के कृत्रिम उद्रेक द्वारा, उद्रेक यानी जगाना द्वारा मानव के वास्तविक जीवन के करुणा और भय भावों का निष्कासन करती है। त्रासदी के पठन और प्रेक्षण से संयत रूप में करुणा और भय का जो संचार होता है उससे व्यवहारिक जीवन में करुणा और भय के प्रचंड आवेगों को झेलने की शक्ति आ जाती है। यानी जैसे ही दूषित मनस्थिति, दूषित मनोविकारों से मुक्ति हुई वैसे ही अपनी ऊर्जा फिर से वापस लौट आई, मस्तिष्क संतुलित हो गया, सोचने समझने की शक्ति फिर से सकारात्मक हो गई और हम फिर से युद्ध के मैदान में, क्योंकि जीवन एक युद्ध है, एक संघर्ष है, हम उसमें जूझने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार पाते हैं, ऐसा अरस्तु का कहना था। यद्यपि प्लेटो को भी भाव विरेचन की जानकारी थी तथापि अरस्तु ने चिकित्सा शास्त्र के इस शब्द का काव्य शास्त्र के संबंध में सटीक लाक्षणिक प्रयोग किया। प्लेटो ने भी इस भाव विरेचन के सिद्धांत की सांकेतिक अभिव्यक्ति की थी लेकिन अरस्तु क्योंकि एक चिकित्सक के पुत्र थे इसलिए उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के इस शब्द को लाक्षणिक रूप में इतने उचित तौर पर प्रयुक्त किया कि उससे पूरी की पूरी साहित्यिक प्रक्रिया हमारे सामने स्पष्ट हो गई।
अरस्तु ने पोएटिक्स उनके ग्रंथ का नाम है, पोएटिक्स में कहा ट्रेजेडी जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार में होती है और जिससे करुणा या त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। क्या लिखते हैं वे कि जो ट्रेजेडी है, मंच पर जो त्रासदी पूर्ण नाटक खेला जा रहा है, जो त्रासदी खेली जा रही है, वो समाख्यान रूप में नहीं है। समाख्यान यानी वो वर्णन नहीं किया जा रहा उसका, कि कहकर नहीं बताया जा रहा, लेकिन उस त्रासदी को अपनी एक्टिंग के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा यानी कार्य व्यापार के द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है, अपनी गतिविधियों के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है। ये ट्रेजेडी है जिसकी बात अरस्तु कर रहे हैं। तो वे लिखते हैं कि ट्रेजेडी का वर्णन नहीं किया जाता, कि ट्रेजेडी किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दे दी, बल्कि मंच पर नाटक में अभिनेता उसको अपने अपने अभिनय के द्वारा दर्शकों के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं। और यही कारण है कि वहां जो भय और करुणा के दृश्य होते हैं, उनका प्रभाव दर्शक के हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी शक्तिशाली रूप में प्रभाव पड़ता है। और इसके फलस्वरूप उनके अपने जो करुणा और त्रास के जो विचार हैं, उनसे उनकी का विरेचन हो जाता है, यानी उनकी मुक्ति हो जाती है, उनकी निष्कृति हो जाती है दूषित मनोविकारों की, और वे मुक्त होकर एक आनंद का अनुभव त्रासदी के द्वारा करते हैं। प्लेटो ने त्रासदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इसमें नायक अपने कष्टों और आपदाओं में रोता बिलखता हुआ दर्शकों के भावोच्छलन का कारण बनता है। यानी प्लेटो ने त्रासदी पर क्या आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि इसमें नायक, क्योंकि दुख है, दुखांत नाटक है, तो इसमें नायक अपने कष्ट और अपनी जितनी भी विपत्तियां उसके जीवन में आती हैं, उन पर रोता विरक्ता व्याकुलता चित्रित करता है, और उसके फलस्वरूप दर्शकों के जो भाव हैं करुणा और भय के, वे जागृत हो जाते हैं और वे उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। ये कहा था प्लेटो ने, और प्लेटो आपको भूलना नहीं है, अरस्तु के गुरु थे। वास्तविक जीवन के लिए वो बिल्कुल त्याज्य है, इसलिए क्योंकि वो दर्शकों को दुखी करता है, इसलिए प्लेटो ने त्रासदी को वास्तविक जीवन के लिए बिल्कुल त्याज्य यानी त्यागने योग्य बताया। उसमें हमें सबल और शक्तिवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कठोर एवं विपरीत परिस्थितियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करे। यानी प्लेटो ने कहा कि जब कोई भी मनुष्य त्रासदी को देखता है तो उसके करुणा और भय जनित जो दुख के भाव है, वे जागृत हो जाते हैं, उनके कारण आत्मिक स्तर पर कवि जो दर्शक है वो और अधिक मनोबल उसका गिर जाता है और अधिक कमजोर हो जाता है, और जीवन में जो कठोर और विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनका दृढ़ता पूर्वक सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं रहती। इसलिए जीवन में त्रासदी का त्याग किया जाना चाहिए, क्योंकि वह मानसिक स्तर पर मनुष्य को कमजोर बनाती है, जबकि मानसिक स्तर पर मनुष्य को मजबूत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन में कदम कदम पर कठोर और विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जिनका सामना करने के लिए एक दृढ़ व्यक्तित्व का, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। आगे चले, अरस्तु ने, ये जो प्लेटो ने आरोप लगाया, अरस्तु ने प्लेटो के इस आरोप का उत्तर देते हुए कहा कि त्रासदी भावोच्छलन नहीं, कि त्रासदी केवल भावों को जगाने का काम नहीं करती, अपितु अपने मूल तत्वों त्रास और करुणा द्वारा पहले भावों को उद्बुद्ध करती है। वो क्या करती है कि उसके जो मूल त्रासदी का मूल तत्व क्या है, अरस्तु के अनुसार त्रास यानी भय और करुणा, ये जो मूल तत्व है, इन मूल तत्वों से पहले वो दर्शक के भावों को उद्बुद्ध करती है यानी जगाती है, फिर उनका विरेचन करती है, और उसके बाद दर्शकों के जो निजी सुख दुख हैं, निजी करुणा और भय के त्रास हैं, जिनके कारण वो मानसिक स्तर पर अपने आप को स्वस्थ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उनसे उनको मुक्त कर देती है, यानी उनका विरेचन कर मनुष्य के मन को शुद्ध कर देती है, परिष्कृत कर देती है। और वास्तव में यही सबसे बड़ा योगदान है मनुष्य के लिए त्रासदी का, ये अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख त्रासदी और संगीत के विवेचन के संदर्भ में किया। यानी अरस्तु ने जहां त्रासदी की बात की, वहां उन्होंने विरेचन पर बल दिया, और संगीत की जहां बात की, वहां उन्होंने विरेचन पर बल दिया। उन्होंने राजनीति नामक ग्रंथ में कहा
कि संगीत का अध्ययन हमको कई उद्देश्यों से करना चाहिए, जब क्योंकि संगीत के संदर्भ में उन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग किया था, तो उन्होंने राजनीति नामक ग्रंथ में कहा कि संगीत का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को कई उद्देश्यों से करना चाहिए। पहली बात शिक्षा के लिए, यानी जीवन को किस प्रकार जिया जाए, विपरीत परिस्थितियों को कैसे सामना किया जाए उस तरह की सीख लेने के लिए, विरेचन के लिए यानी दूषित मनोवृत्तियों से मुक्ति के लिए, और बौद्धिक आनंद यानी प्लेजरेबल रिलीफ जिसको कहा था बूचर ने, उस बौद्धिक आनंद की प्राप्ति के लिए हमको संगीत का अध्ययन करना चाहिए। उनके अनुसार त्रासदी का मुख्य उद्देश्य विरेचन की स्थिति उत्पन्न करना है, यानी कोई भी नाटककार त्रासदी क्यों लिखता है, कोई भी अभिनेता त्रासदी का अभिनय मंच पर प्रस्तुत क्यों करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य है विरेचन। इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है। विरेचन क्यों जरूरी है? ताकि वो दर्शकों को अपनी त्रासदी का मंचन करके, उसका अभिनय करके, दर्शकों की मानसिक बेड़ियां जो हैं, जो बंधन है, जो करुणा और भय के जो भाव हैं, जो उसके हृदय में जम गए हैं और जो उसे संतुलित रूप से सोचने समझने की क्षमता प्रदान नहीं कर पाते, उसमें रुकावट डालते हैं, उनसे मुक्त कर विरेचन की स्थिति उत्पन्न करना ही एक त्रासदी का, एक ट्रेजेडी का उद्देश्य है। ऐसी मान्यता थी अरस्तु की। अब विरेचन की अलग अलग, ये तो अरस्तु ने जो कहा वो हमने यहां जान लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अरस्तु ने अपने विरेचन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपने ग्रंथ में, तब उसके बाद अनेक व्याख्याकार आए और उन्होंने इन विरेचन की शब्द की अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्याएं प्रस्तुत की हमारे सामने, जिनमें से तीन व्याख्याएं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है धर्मपरक व्याख्या, दूसरी है नैतिक व्याख्या और तीसरी है कलापरक व्याख्या। अब धर्मपरक व्याख्या में धार्मिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर बात की गई, नैतिक व्याख्या में नैतिक मूल्यों के आधार पर, नैतिक मूल्यों से जोड़कर विरेचन की व्याख्या की गई, और कलापरक व्याख्या में कलात्मकता को, साहित्य में जो कलात्मकता का बिंदु होता है, उस कलात्मकता की विशेषता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विरेचन की व्याख्या की गई। तो सबसे पहले लेते हैं धर्मपरक व्याख्या। धर्मपरक व्याख्या में धार्मिक उन्माद से भरपूर नृत्य और संगीत द्वारा भावों का विरेचन माना गया। अब इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जब भी कभी यूनान में धार्मिक उत्सव हुआ करते थे, किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए जब धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता था, तो उसमें बहुत तेज भावनाओं को उत्तेजित करने वाला संगीत बजाया जाता था और उस संगीत का प्रभाव वहां जितने भी श्रद्धालु इकट्ठे होते थे, धार्मिक भावनाओं से युक्त, आस्था से युक्त, वे सब उस संगीत में इतना अधिक डूब जाते थे कि धार्मिक व्याख्या करने वाले, विरेचन की धार्मिक व्याख्या करने वाले विद्वान कहते हैं कि उस दौरान उनकी विरेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, यानी वे उस क्षण विशेष के लिए अपने जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे भयों से मुक्त होकर उस धार्मिक संगीत के आनंद में डूब जाते थे। ये तो हुई धर्मपरक व्याख्या। आगे चलते हैं। इस धर्मपरक व्याख्या में उनके मतानुसार डायोनाइसिस के उद्दाम संगीत से, डायोनाइसिस एक देवता का नाम था वहां पर, उसके दौरान उसका जो उत्सव होता था, उसके दौरान जो उद्दाम संगीत, भक्तिपूर्ण संगीत बजाया जाता था वहां पर चलता था, उसमें श्रद्धालु भक्त इतने मस्त हो जाते थे कि उनके भीतर भाव विरेचन यानी कैथारसिस की प्रक्रिया शुरू संपन्न होती थी। इस प्रकार मनोविकारों के विरेचन द्वारा उनसे प्राप्त निष्कृति के आनंद का अनुभव प्राप्त किया जाता था, क्योंकि वो अपने दूषित मनोविकारों से मुक्त हो जाते थे, इसलिए वे विरेचन के आनंद में डूब जाते थे। आपने दोस्तों देखा होगा कि कई बार हम बहुत अधिक कोई भक्ति, ऐसा भजन सुनते हैं जो सीधा हमारी चेतना पर जाकर के प्रभाव डालता है और उसमें हम इतने डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब उस आनंद में डूबकर हमारी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह यही वो विरेचन है जिसकी बात यहाँ पर अरस्तु कर रहे हैं। आगे चलें। विरेचन की नैतिक व्याख्या के अनुसार मनोविकारों के उत्तेजन के बाद उद्वेग का शमन और तदजन्य मानसिक विशदता जिससे भावात्मक रुग्णता दूर हो जाती है, विरेचन कहलाती है। यानी जिन विद्वानों ने नैतिक दृष्टिकोण से विरेचन की व्याख्या की, उन्होंने कहा कि जब विरेचन होता है, यानी त्रासदी में
जब करुणा और भय के भावों को जगाने वाले दृश्य उत्पन्न किए जाते हैं, दृश्य दिखाए जाते हैं, तब मनोविकार करुणा और भय से संबंधित और इस समूह के जितने भी मनोविकार हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं व्यक्तित्व पर, उन सब वे सब नकारात्मक प्रभाव जाग नकारात्मक मनोविकार जागृत हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो चरम स्थिति तक जागृत हो जाते हैं, तब उससे उत्पन्न जो व्याकुलता है, चित्त की व्याकुलता जो उन विचारों के कारण मनुष्य के मन में पहले से मौजूद थी, उस व्याकुलता का शमन हो जाता है, यानी वो व्याकुलता शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और उसके फलस्वरूप तदजन्य यानी उससे उत्पन्न और उस मानसिक व्याकुलता के शांत होने के कारण मानसिक विस्तार होता है। मानसिक विस्तार का मतलब क्या है कि चिंतन के स्तर पर व्यक्ति अपने निजी सुख दुख के दायरे को तोड़कर, उन सारे बंधनों को तोड़कर मंच पर जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसके साथ अपना एक एकात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। यानी उसका विस्तार अब कुएं के मेंढक की स्थिति अब उसकी नहीं रही, क्योंकि अब तक वो केवल अपने सुख दुख में डूबा था, अपने दुख के दायरे में डूबा था, इसके कारण उसकी मना स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन जब वो त्रासदी देखता है तो वो अपने उस निजी दुख और पीड़ा के बंधन को तोड़कर जो मंच पर दिखाया जा रहा है उस अभिनेता के पीड़ा और दुख का भागीदार बनता है, यानी उसका मानसिक विस्तार हो जाता है। उससे उसके जो भावात्मक रुग्णता है, यानी जो मनस्थिति उसकी थी, बीमार मनस्थिति थी जिसके कारण वो निराशा के सागर में डूबा था, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और यही प्रक्रिया विरेचन कहलाती है। किसके अनुसार? नैतिक दृष्टिकोण से जिन्होंने विरेचन की व्याख्या की है उनके अनुसार। अब आता है तीसरा दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण है कलापरक व्याख्या का प्रतिपादन। मुख्यतः इसका प्रतिपादन प्रोफेसर बूचर ने किया है। उनका मानना है कि यह कला सिद्धांत का अभिव्यंजक है, यानी जो विरेचन, यह कौन? विरेचन का सिद्धांत। विरेचन का जो सिद्धांत है वो वास्तव में एक कला सिद्धांत की ओर संकेत करता है, अभिव्यंजक है, यानी इसको अभिव्यक्त करता है। त्रासदी और क्या स्पष्ट करता है? त्रासदी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है। यानी कलात्मक दृष्टिकोण से क्या कह रहे हैं बूचर कि किसी भी त्रासदी का कार्य केवल इतना नहीं है, उद्देश्य, कि वो करुणा और त्रास के लिए, यानी दर्शक के मन में जो करुणा और भय की भावनाएं पहले से विद्यमान होकर उसके व्यक्तित्व को पीड़ित करती रहती हैं आंतरिक स्तर पर, उनको अभिव्यक्ति का माध्यम देना, उनकी निष्कृति के लिए, उन भावनाओं के, दूषित मनोविकारों के बाहर निकलने की राह बताना त्रासदी का कार्य नहीं है। बल्कि त्रासदी का कार्य क्या है बुचर के अनुसार? त्रासदी का कार्य है इन्हें एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना, कि सुंदर कलात्मकता के साथ पूरे प्रभावशाली ढंग से किसी भी भाव को अभिव्यक्त कर दर्शकों को उस अभिव्यक्ति, उस कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से कलात्मक परितोष यानी संतोष प्रदान करना त्रासदी का उद्देश्य है। और इनको कला के माध्यम से परिष्कृत और स्वच्छ करना है, और उस कलात्मकता के माध्यम से वो दर्शक को अपने दूषित मनोविकारों से ऊपर उठाता है, उसकी मनस्थिति को शुद्ध करता है। ये कलात्मक दृष्टिकोण है जिसका प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर बूचर ने किया। डॉक्टर नगेंद्र के अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान ऐसे हैं जो कलात्मक परिष्कार को अरस्तु के विरेचन का अंग नहीं मानते। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है कि किसने कलात्मक परिष्कार को अरस्तु के विरेचन का अंग नहीं माना है, तो उत्तर होना चाहिए डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी विरेचन प्रक्रिया द्वारा मन की ग्रंथियों के खुलने को वैज्ञानिक मानती है। यानी मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि विरेचन की प्रक्रिया के द्वारा मन की जो ग्रंथियां हैं, जो कुंठाएं हैं, वो खुलती हैं और मानसिक व्यक्ति का मानसिक विस्तार होता है और वो संतुलित ढंग से मानसिक स्तर पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाता है। इस बात को मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है।
काव्य एक ओर दमित भावनाओं को उत्तेजित कर उभारता है तो दूसरी ओर अमर्यादित उच्छृंखल भावों को मर्यादित और संयत करता है। और कुछ विद्वानों के द्वारा ये कहा गया कि काव्य का ये गुण है, काव्य क्या का अर्थ क्या है, त्रासदी वाला नाटक। उनका उद्देश्य है कि जो भी मनुष्य की दमित भावनाएं हैं, जिनको जबरन दबा दिया गया और जो कुंठाएं बनती हैं और जो कुंठाएं बनकर मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में रुकावट डालती हैं, बाधक बनती हैं, उन दमित भावनाओं को ये त्रासदी जागृत करती है और दूसरी ओर क्या करती है, उन दमित भावनाओं को जागृत कर उनसे तो मुक्त करती है दर्शक को, व्यक्ति को, पाठक को, और दूसरी ओर जितने भी असंतुलित उच्छृंखल विचार हैं जिनके कारण वो सोच संतुलित ढंग से सोच विचार नहीं कर पाता, उनको मर्यादित और संतुलित करती है। यानी एक वर्ग विद्वानों का ऐसा भी है जो दो तरफा प्रभाव त्रासदी का स्वीकार करता है, एक ओर दमित भावनाओं को जागृत करना और उनसे मनुष्य के मन को शुद्ध करना, परिष्कृत करना, दूसरी ओर जो अमर्यादित उच्छृंखल भाव है, असंतुलित जो भाव है, उनको मर्यादित और संतुलित करना ताकि व्यक्ति पूरी तरह से, व्यक्ति मानसिक स्तर पर पूरी तरह से संतुलित होकर सोचने विचारने लगे। त्रासदी प्रेक्षकों के भाव का नियंत्रण इस प्रकार करती है कि वे उपयुक्त पदार्थों के प्रति उपयुक्त प्रकार से संचारित होते हैं। अब भावों के संतुलित होने का अर्थ क्या है? भावों के संतुलित होने का अर्थ है कि त्रासदी के प्रभाव से विद्वानों की अरस्तु की मान्यता है कि वो न केवल दर्शकों के भावों का नियंत्रण करती है बल्कि उन्हें एक सही दिशा भी प्रदान करती है। और वो दिशा क्या है कि जिस दिशा में, जिस व्यक्ति, जिस स्थिति, जिस वस्तु के प्रति जिस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होने चाहिए उसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य देती है त्रासदी, और यही उसके द्वारा भावों का नियंत्रण है। यानी उपयुक्त पदार्थ के प्रति उपयुक्त प्रकार से भावों का प्रयोग होना, अभिव्यक्ति होना विरेचन का प्रतिफल होता है। इसलिए अरस्तु के अनुसार विरेचन का आउटकम क्या है, विरेचन की उपलब्धि क्या है, भावगत संतुलन, यानी भावनाओं में संतुलन, बिल्कुल भी अमर्यादित भावनाएं न रहे और ना ही नकारात्मक भावनाएं रहे, न रहे, दोनों ही स्थितियों में भावनाओं का संतुलन रहे, यही सबसे बड़ा प्रतिफल है विरेचन का। इससे मानसिक स्वास्थ्य लाभ होता है, यानी मानसिक स्तर पर व्यक्ति एक उत्कृष्ट स्थिति में आ जाता है, उसकी सारे जो मानसिक बंधन है वो समाप्त हो जाते हैं, उसका मानसिक विस्तार होता है और वो आनंद पूर्वक प्रत्येक स्थिति का, जटिल से जटिल स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर हो उठता है। त्रासदी में दुख के सुख में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में बूचर ने दुख से सुख के प्रतीयमान विरोध की शांति के दो कारण बताए हैं। इस बिंदु को थोड़ा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। देखिए, जब हम दुख और सुख की बात करते हैं तो दुख का विपरीत स्थिति है सुख, तो हमें दुख और सुख में आपस में विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर हम त्रासदी में जो दुख देखते हैं उससे हमें सुख की प्रतीति कैसे होती है, क्योंकि सुख और दुख तो दोनों परस्पर विरोधी हैं। फिर दुख से सुख की प्रतीति कैसे होती है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए दो बिंदुओं पर बल दिया है प्रोफेसर बूचर। वे क्या कहते हैं, कहते हैं स्व की क्षुद्रता से मुक्ति और कलात्मक प्रक्रिया। क्योंकि वे, उन्होंने विरेचन की भी कलात्मक व्याख्या की थी और कलात्मक सौंदर्य के कारण काव्य की जो कलात्मकता है, त्रासदी की जो कलात्मकता है, उसी को उन्होंने विरेचन का माध्यम माना था। दूसरी ओर कहते हैं कि व्यक्ति जब त्रासदी को देखता है तो उसकी स्व यानी अपने निजी सुख दुख की जो तुच्छ अनुभूति है उससे उसको अनुभूति से मुक्ति मिल जाती है। और उसकी अनुभूति कैसी हो जाती है, विस्तृत, यानी वो अपने दुख के दायरे में डूब कर नहीं रहता बल्कि त्रासदी में जो कुछ दिखाया जा रहा है अपने दुख के दायरे से बाहर निकलकर उस दुख में डूब कर अपने मानसिक विस्तार को अनुभव करता है। तो इसलिए जो दुख का दृश्य है त्रासदी का वो उसके लिए आनंददायक हो जाता है क्योंकि उसका आत्मविस्तार होता है। दूसरा, जो कलात्मक, जिस कलात्मकता के साथ त्रासदी मंच पर मंचित की जा रही है, अभिनीत की जा रही है, जो भी नाटक खेला जा रहा है,
उसके माध्यम से, उसकी कलात्मकता के प्रभाव से भी दर्शक को संतुष्टि प्रदान होती है, प्राप्त होती है और वो आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। तो यही इन दो कारणों से बूचर कहते हैं कि दुख की स्थिति जो त्रासदी में चित्रित की जा रही है वो दुख और सुख परस्पर विरोधी है, लेकिन त्रासदी का दुख दर्शकों के लिए सुख का प्रतीति, सुख की प्रतीति कराने वाला हो जाता है, सुख की अनुभूति कराने वाला हो जाता है। प्रत्यक्ष जीवन में दुखद त्रास और करुणा अनुभूतियां त्रासदी में वैयक्तिक दंश से मुक्त होकर साधारणीकृत रूप में उपस्थित होती हैं। यानी अब इसको और सरल शब्दों में, दुखद का मतलब है दुख देने वाली। मैं कई बार बता चुकी हूं दोस्तों कि जिन शब्दों के बाद द जुड़ेगा वो उसका अर्थ आप जोड़ लीजिए देने वाली। जलद जल देने वाला, सुखद सुख देने वाला, दुखद दुख देने वाला। तो दुखद जो दुख देने वाली स्थितियां हैं, कौन सी स्थितियां? भय और करुणा। ये जो अनुभूतियां हैं जब दर्शक त्रासदी में देखता है तो वो अपने वैयक्तिक दंश, दंश का मतलब है पीड़ा, वैयक्तिक जो पीड़ा है उससे मुक्त होकर त्रासदी में जो पीड़ा अभिव्यक्त की जा रही है अभिनेताओं के द्वारा, उनके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, यानी साधारणीकरण कर लेता है। और वो उस क्षण जैसे ही साधारणीकरण हुआ, उसका जो सीमित स्व था, तुच्छ स्व जिसमें वो अब तक घिरा हुआ था, उससे मुक्त हो जाता है और अपने जीवन के जो भी कड़वे खट्टे अनुभव थे जिनके कारण वो अंदर ही अंदर पीड़ित था, उनसे मुक्त होकर स्वयं को विस्तृत मानसिक स्तर पर एक विस्तृत अनुभूति प्रदान करता है, विस्तृत अनुभव करता है जो उसके लिए सुखद यानी सुख देने वाला होता है। त्रासदी में दुख को देखकर हमें विश्वास होने लगता है कि दुख केवल हमारा नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि त्रासदी में जब हम दुख देखते हैं तो हमें लगता है कि दुख केवल हमारा नहीं है और जगत में भय और त्रास से अधिक श्रेष्ठ भी जीवन मूल्य है। मतलब बहुत सारे संसार में ऐसे जीवन मूल्य भी हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार कर इन दुख और भय के जो कष्टकारक स्थितियां हैं उनसे अपने आप को मुक्त कर एक श्रेष्ठ और आनंददायक जीवन जी सकते हैं। फलतः दुख को देखकर हमारा हृदय विस्तीर्ण होने लगता है। किसमें दुख को देखकर? त्रासदी में देखकर। त्रासदी में दुख को देखकर, क्योंकि स्व के दायरे से मुक्त हो गए, हमारा हृदय विस्तृत होने लगा क्योंकि हम दूसरे के दुख से जुड़ गए। हमारा हृदय विस्तृत होने लगता है, हमें अपने दुख तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। इस बात को दोस्तों एक बहुत ही मामूली से आप लोगों की जिंदगी, हम सब की जिंदगी से जुड़े एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी कठिन, बहुत ही जटिल परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ और मैं परीक्षा देती हूँ लेकिन मैं सफल नहीं होती। उस खास क्षण में मैं इतनी निराश हो जाती हूँ, इतनी दुखी हो जाती हूँ कि मैं ये संतुलित ढंग से सोच ही नहीं पाती कि मैं ये देखूं कि मुझसे कहाँ गलतियां हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की, परिश्रम भी बहुत अच्छा किया और पेपर भी मैंने बहुत अच्छा दिया। मैं उस बात पर संतुलित ढंग से सोच ही नहीं पाती हूँ और उसी दुख में डूबी रहती हूँ। परिवेश वही है, परिवार वही है, मित्रगण वही हैं, सब अपने अपने ढंग से मुझे उस दुख से उबारने की कोशिश करते हैं लेकिन मेरा मन किसी भी स्थिति में उस दुख से, उस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन उसी दौरान एक फिल्म देखती हूँ मैं और उस फिल्म में मैं देखती हूँ कि एक बालक है, एक युवक है और वो बहुत कठिन तैयारी कर रहा है, बहुत कोई जटिल परीक्षा की तैयारी कर रहा है, रात दिन एक कर देता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, जो कुछ भी उससे संभव हो सकता है, कोई कमी अपनी परीक्षा की तैयारी में वो नहीं छोड़ता। लेकिन उसके बावजूद, प्रश्न पत्र भी अच्छा देकर आता है, लेकिन उसके बावजूद जब परिणाम आता है तो उसे असफलता हाथ लगती है। तो जिस क्षण मैं उस असफलता के उस दूसरे विद्यार्थी के दृश्य को देखती हूँ, उस क्षण मैं अपने उस पीड़ा से मुक्त होकर उस विद्यार्थी की पीड़ा के साथ जुड़ जाती हूँ। मुझे अनुभव होता है कि ये दुख केवल मेरा नहीं है, ये असफलता केवल मेरी नहीं है बल्कि दूसरों की भी है, तो मुझे इससे ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। और मेरे दिमाग किस दिशा में काम करने लगता है? मेरा दिमाग, क्योंकि मेरी पीड़ा और उस विद्यार्थी की पीड़ा एक है, तो मेरा दिमाग इस दृष्टि से इस दिशा में काम करने लगता है कि देखे इस समस्या का ये क्या समाधान निकालता है। और क्योंकि त्रासदी है,
मैं देखती हूँ वो विद्यार्थी निराशा के सागर में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। मेरे मन में झनाक की आवाज से तेजी से कुछ जैसे टूट जाता है और मैं एकदम अब मेरा जो मस्तिष्क है वो सही दिशा में काम करने लगता है और मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये सही नहीं है, ये इसका परिणाम नहीं होना चाहिए। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि चरम बिंदु पर आकर दुख मुझे उस स्थिति में ले जाता है, मेरे सारे जो तुच्छ विचार हैं उनसे मुझे मुक्त कर देता है, मैं फिर से सोचने समझने की क्षमता प्राप्त कर लेती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, आत्महत्या इसका रास्ता नहीं है, बल्कि इसका रास्ता क्या होना चाहिए, इसका रास्ता होना चाहिए कि मैंने जो परिश्रम किया, मैंने जो तैयारी की, उस पर मुझे फिर से देखने की जरूरत है, मैंने कहां प्रश्न पत्र में गलतियां की, क्या कमजोरियां मेरी रही, उन पर मुझे ध्यान देकर फिर से तैयारी करने की जरूरत है। तो इसके द्वारा, उस त्रासदी के दृश्य के द्वारा, मेरा साहस, मेरा उत्साह, मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और मैं फिर से मानसिक स्तर पर ऊर्जावान होकर के अपने जीवन के क्षेत्र में कूद पड़ती हूँ। यही विरेचन है। उम्मीद करती हूँ कि उस उदाहरण के बाद आप अच्छी तरह से विरेचन को समझ गए होंगे। हम स्व को भूलने लगते हैं और स्व का बंधन टूटने से हम उस कलात्मक सृजन के भागीदार बन जाते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। आनंद क्यों? क्योंकि हमें अपने निजी सुख दुख से मुक्ति मिल गई है, उस पीड़ा से मुक्ति मिल गई है उस क्षण विशेष में, इसलिए हम आनंद के भागीदार बनते हैं। यही विरेचन अर्थात आत्म परिष्कार की प्रक्रिया है, जिसे अरस्तु ने कैथार्सिस कहकर के पुकारा है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूँ कि ये विरेचन का सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके विषय में कोई भी आशंकाएं आपके मस्तिष्क में नहीं रही होंगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।